वाह, 2021 का पहला कार्ड ख़त्म। इंडिया में ये देखना काफ़ी मुश्किल था। रात के 1:30 बजे कार्ड शुरू हुआ, लेकिन ये यूएसए में एबीसी नेटवर्क पर था। और क्या डेब्यू था यूएफसी के लिए, 3 फिनिश और 2 फाड़ो डिसीजंस मेन कार्ड में। मैक्स हॉलोवे वर्सेस कैल्विन केटर, याद है मैक्स और एलेक्स की सेकेंड फाइट के बाद सब सोच रहे थे कि अब मैक्स क्या करेगा। वो ऑलरेडी अपना गेम बदल चुका है और एलेक्स फिर भी जीत गया। अब मैक्स क्या करेगा, फिर से गेम चेंज करेगा क्या? एंड मैक्स ने वही किया, मैक्स ने अपने गेम में फिर से बदलाव लाए। मैक्स ने अपना पूरा गेम नहीं बदला, उसने देखा वो क्या सही करता है और उसी गेम पे बिल्ड किया। मैक्स हमेशा से वॉल्यूम पंचर था, अब मैक्स ने पावर शॉट्स मारने शुरू कर दिए स्टार्टिंग से, ताकि वो स्टार्टिंग के राउंड्स जो पहले वो फील करने के लिए यूज़ करता था अब नहीं करता। अब स्टार्टिंग के राउंड्स भी जीतने के लिए जाता है, क्योंकि वो 2 बार डिसीजन से हार चुका है। इस फाइट में मैक्स ने बॉडी पे काफ़ी हैवी इन्वेस्ट किया, हेड बॉडी हेड बहुत कर रहा था, और मैक्स की कीज़ टू विक्ट्री में हाई वेरियंस बहुत बड़ा फैक्टर था। मैक्स ने अपने सारे मूव्स इस्तेमाल किया, जहाँ केटर सिर्फ बॉक्सिंग कर रहा था, मैक्स बॉक्सिंग कर रहा था, किक बॉक्सिंग कर रहा था, ही स्लिप्ड अ लिटिल बिट ऑफ मुईथाई एज वेल। मैक्स ने वैरायटी मेंटेन करी ताकि केटर को गेस करने में मुश्किल हो कि मैक्स अगला क्या करेगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैक्स का एक बहुत विजिबल स्ट्रैटेजी था, मैक्स ने वेरियंस के साथ सिर्फ कॉम्बिनेशन में अटैक किया, क्योंकि सिंगल शॉट्स को अवॉइड करना, सिंगल शॉट्स को काउंटर करना ज़्यादा आसान है। और केटर को मैक्स ने शुरू करने ही नहीं दिया, ना रीसेट करने दिया। हर फाइटर रीसेट करता है, डस्टिन पोरिये और डैरेन टिल के बहुत विजिबल रीसेट है, वो अपने शॉट्स एडजस्ट करते हैं, कुछ फाइटर्स अपने ग्लव्स टाइट करते हैं, कुछ फाइटर्स 2 बार साइड टू साइड जंप करते हैं और वापस इंगेज करते हैं। जहाँ मैक्स ने केटर को रीसेट करने से रोका, केटर ने कुछ नहीं किया और मैक्स ने बार बार रीसेट किया। मैक्स बड़े कॉम्बो करता है, फिर 2 कदम चलता है और फिर से इंगेज करता है, कॉम्बिनेशन, डिसंगेज, वॉक अ फ्यू स्टेप्स, एंगेज अगेन एंड रिपीट। मैक्स ने एल्बोज का भी काफ़ी प्रभावशाली इस्तेमाल किया। मैक्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इस फाइटर से पहले लोग केटर को फेदरवेट का बेस्ट बॉक्सर बुला रहे थे। मैक्स ने अपना हेड मूवमेंट प्रदर्शन में रखा जब वो डीसी से बात कर रहा था, फाइट के बीच में केटर के पंच से वेट कर रहा था और सबको बता रहा था कि आई एम द बेस्ट बॉक्सर इन यूएफसी। अगर आप मैक्स की स्पीड पे ध्यान दोगे, नोटिस द स्पीड एट विच मैक्स इज मूविंग। आई नो मैक्स मेड इट सीम लाइक ही वाज इन द मैट्रिक्स, बट वो गेस कर रहा है। तुम सब कुछ नहीं जान सकते, एजुकेटेड गेसेस है, वो इतने टाइम से कर रहा है कि ये इंस्टिंक्चुअल है, गाड़ी चलाने जैसा उसके लिए। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट। और जब ये काम नहीं आता, और जब कभी मैक्स को कोई शॉट्स छू जाते हैं, वहाँ काम आता है मैक्स की हवाईयन खोपड़ी, क्योंकि मैक्स ने इस फाइट में भी काफ़ी बड़े शॉट्स लिए और बिना किसी विजिबल डैमेज के बाहर आ गया। स्कोर कार्ड्स देखे तो 50-43, 50-43 एंड 50-42, इससे पहले ऐसा स्कोर कार्ड कभी देखा है, कुछ याद है? मैक्स ने इस फाइट में 1 दर्जन से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े, मोस्ट स्ट्राइक्स लैंडेड, मोस्ट स्ट्राइक्स अटेम्प्टेड, मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंडेड, मोस्ट फाइट्स एवर विदाउट अ नॉकडाउन, और भी कई सारे। मैक्स वॉन्ट्स टू फाइट, बोल रहा है कि अबू धाबी में ही रहेगा अगले हफ्ते, अगर कोई भी नहीं लड़ पाता है मैक्स विल स्टेप इन। लेकिन मैक्स की अब अगली लड़ाई प्रॉबेबली जबीट के साथ ही होगी, क्योंकि जबीट के पास भी कोई ओपोनेंट नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मुझे कैल्विन केटर के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। 50-43, अगर स्कोर कार्ड ऐसे जा रहा है तो ऐसे फाइट्स को कभी स्कोर कार्ड में जाने ही नहीं देना चाहिए। स्टॉप द फाइट, सेव द फाइटर। कैल्विन का करियर छोटा हो गया, उसने इस फाइट में मेडिकली डेंजरस, लाइफ ऑल्टरिंग, करियर रीडिफाइनिंग मार खाई है, जैसे ओर्टेगा का हुआ था। ओर्टेगा के केस में उसकी अगली फाइट 2 साल बाद हुई, लेकिन उसके पास टाइम था रिकवरी का। ओर्टेगा ने जब मार खाई वो अपने मिड 20s पे था, कैल्विन अपने अर्ली 30s में। इस स्पोर्ट में लोग इस उम्र में रिटायर हो जाते हैं, अब वो 2 साल अपनी मर्जी से तो नहीं लेगा। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, कैल्विन ने जो मार खाई है उसके इफेक्ट्स इमीडिएटली पता नहीं लगेंगे, ये पता लगेंगे जब वो और बूढ़ा हो जाएगा। इसमें किसकी गलती है, रेफ की, ये कैल्विन के कोचेस की, या दोनों की? इसके लिए तो और लंबा डिस्कशन लगेगा, लेकिन जाते जाते ये इमेज देख लो, ध्यान से देखो, द मिस्ट ऑफ ब्लड फ्लाइंग राइट ऑफ केटर आफ्टर मैक्स पंचेस हिम। यस, दैट हैपेंड। And that's all for me. Thanks for watching. Until next time.